नमः शिवाय। कार्तिक मास बृहस्पतिवार प्रतिपदा तिथि पूरे दिन और रात्रि 9:25 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में सुबह 9:25 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, उत्तम विचारों वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रेरणादायक, मजबूत शरीर वाले, विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, विभिन्न खाद्य पदार्थों के शौकीन, अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में समर्थ और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मेष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगलदेव हैं। आज के चंद्रमा पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि और साथ ही साथ सूर्य, बुध व शुक्र की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी। आज भी पूर्णिमा का पूरा असर कायम रहेगा, मगर नक्षत्र शुक्र का होगा, जिससे प्रबल आत्मविश्वास बना रहेगा, रचनात्मक क्रियाशीलता साथ देगी, भरपूर आत्मविश्वास के साथ हर कार्य करने में सहयोग मिलेगा, अपेक्षित लाभ मन मुताबिक मिल सकता है, वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। तुलसी के पौधे के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या केले के पौधे के पास, इनमें से जो भी पौधे उपलब्ध हों उसमें सुबह सुबह जल, हल्दी, रोली, गुड़ इत्यादि यथासंभव अर्घ देवें और शाम को उसी पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और यह प्रक्रिया कार्तिक पूर्णिमा तक अनवरत बनाए रखें। इससे महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहती है और अभीष्ट मनोकामना पूर्ण होती है। जिनकी कुंडली में के मद्रुम योग गठित है या संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, मन मुताबिक अपेक्षित फल नहीं प्राप्त हो पाता है, या जिनकी कुंडली में केंद्र के चारों घर खाली हैं, कोई ग्रह नहीं है अथवा प्रतिकूल महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे जातकों को विशेष तौर पर यह उपाय करने चाहिए, जिससे मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी और संघर्ष की मात्रा में कमी आएगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अड़ियल रवैया के साथ कार्य क्षेत्र के प्रति जुनूनी मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। सरकारी विभाग से सहयोग और लाभ की उम्मीद बनती है, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही आर्थिक पक्ष से भी थोड़ी चिंता महसूस होगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए निजी निवेश की संभावना बनती है और रुके हुए काम संपन्न होंगे। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बढ़ेगी और व्यक्तिगत मामलों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। साथ ही कुछ आवश्यक और उपयोगी विषयों में रुचि बढ़ेगी और संबंधित मामलों में रचनात्मक सक्रियता जारी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी बनी रहेगी, मगर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक सोच समझ कर लेने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे।
नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी की पुनरावृत्ति संभावित है और उसमें सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है, मगर रास्ते भी मिलते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों को लाभ संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और नई कार्यशैली का विकास होगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी, मगर सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में रुकावट और अड़चन की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का समय उन्नतिकारक होगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलते रहेंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम के साथ खर्च भी संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। निजी निवेश की योजनाएं भविष्य के लिए लाभकारी रहेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी सुधार महसूस करेंगे, मगर मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा छठवें घर में चल रहे हैं, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और स्थायित्व बना रहेगा। अपव्यय में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी के साथ मानसिक अवस्था प्रभावित रहेगी। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलने से कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी संभावित है। पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। हालांकि शनि के कारण मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कार्य योजना यथावत चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं में धीमी गति का अंदेशा बनता है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी में ओज और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और संबंधित कामों में प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी, मगर कुछ कामों में रुकावट के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं।
रुका हुआ धन भी मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की व्यग्रता और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और आर्थिक रूप से जोखिम वाले कामों में सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।